एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे 4 नवंबर 2002 का हमें डेट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसकी डेट क्या है, डेट लिखेंगे। डेट के बाद हम लिखेंगे ईयर, ईयर कौन सा है, फिर लीप ईयर, लीप ईयर कितने हैं, उसके बाद हम लिखेंगे सेंचुरी कोड, और उसके बाद लिखेंगे मंथ कोड। इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं। जैसे डेट क्या है यहाँ पे, 4, ईयर कौन सा है, इसे 2022, मतलब 22 साल है, तो देखो 22 साल है ईयर, 2000 में से कितने साल है, 22 साल ज़्यादा। लीप ईयर कितने होंगे यहाँ पे, 4 से डिवाइड कर लो तो 5 लीप ईयर आएंगे। यहाँ पे सेंचुरी को 2000 का कित क्या सेंचुरी को, 2000 सेंचुरी है, तो मैं ऐसे लिखते 2000, यहाँ पे लिखेंगे 1900, तो नहीं 1700 1800, तो इसका कोड होता है 6420। तो 2000 का कोड कितना होगा, 6 हो गया। मंथ कोड क्या होगा, मंथ कोड हमने याद किया था क्या होता है, 033, फिर 3 लास्ट में क्या होगा, 035 हो जाता है, 2 बढ़ जाता है इधर, फिर 614 एंड 625, तो यहाँ पे +1 +1 हो जाता है, तो 625। तो हमारा क्या है, नवंबर, ये क्या है मंथ कोड, नवंबर, नवंबर का कोड होता है 3, तो 3, फिर इन सबको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, सपोज हमारा ये 22 है, 22 7 से डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, फिर हमारा यहाँ पे 5 6 7, ये 1 हो गया, फिर 5 4 9, 2 बचा, 2 3 5, तो 5 हो चाहिए। 5 डेज में हमारा कौन सा दिन आएगा, जैसे 1 जो हमारा 0 1 2 3 4 5 6, तो ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे, हमारा 5 में फ्राइडे आता है, तो आंसर विल बी फ्राइडे। तो हमें याद रखना है कि डेट देखते हैं, फिर ईयर, फिर लीप ईयर, फिर सेंचुरी कोड, मंथ कोड। डेट, ईयर, लीप ईयर, सेंचुरी कोड एंड मंथ कोड। डेट देखेंगे, पहले डेट कितनी है, ईयर कितने हैं, लीप ईयर कितने हैं, फिर सेंचुरी कोड एंड देन मंथ कोड। ये होता है सेंचुरी कोड, और ये होता है, ये हमारा नीचे हो जाए मंथ कोड। फिर जो भी आंसर है उसे डेट देख लेंगे कौन सी है।